बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राहील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं online.99। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ इनर्सी ऑफ एन ऑर्बिट। ये जो हम लेक्चर्स जिस सीरीज़ पे हमने स्टार्ट किए हुए हैं ये है बोहर थ्योरी और उसकी एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने बोहर थ्योरी के बाद उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, रेडियस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा किसी भी ऑर्बिट के लिए, उस पर हमने बात की थी। अब ये दूसरी एप्लीकेशन है बोहर थ्योरी की कि किसी भी ऑर्बिट के लिए या किसी भी एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे। देखें, बोहर ने हमें ये कहा था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सेंटर में न्यूक्लियस, अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इसकी टोटल एनर्जी जो होगी दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? कि ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू मोशन इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये रिवॉल्व कर रहा है इसकी वजह से इसकी होगी काइनेटिक एनर्जी। और न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन का आपस में एक इंट्रैक्शन दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उसकी वजह से इसकी बनेगी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इस पे हमने सारी बात करनी है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसकी जो एनर्जी है दैट विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी क्यों, उस पर मैंने पहले बात कर ली कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी मोशन की वजह से है। और पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्यों है, ड्यू टू इट्स इंट्रैक्शन विद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, सॉरी, कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ इंट्रैक्शन शो कर रहा है That is electrostatic force of attraction. तो इसकी क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इसकी आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम लोगे। अब देखें यहां पर हम इस पर बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। ये आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के लिए उसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन वन। ये हर ऑब्जेक्ट के लिए ये नोन बात है कि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम असल बात पाते हैं पोटेंशियल एनर्जी, कि इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। याद रखना है कि हम ये कहते हैं कि किसी एक इनफाइनाइट पॉइंट से जब इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, उस इनफाइनाइट पॉइंट से लाकर जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड ले आते हैं, अब इलेक्ट्रॉन को एक इनफाइनाइट पॉइंट से न्यूक्लियस की प्रॉक्सिमिटी में जब हम लाएंगे तो इसके ऊपर वर्क डन किया जाएगा, वो वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, इसको याद रखना है, वर्क डन, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन while bringing it from an infinite point, जब आप इलेक्ट्रॉन को किसी एक इनफाइनाइट पॉइंट से न्यूक्लियस की प्रॉक्सिमिटी में लाएंगे उसके ऊपर जो वर्क डन करोगे उस वर्क डन को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या कहते हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ न्यूक्लियस, के एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है, आप उसको खींच कर उसके ऊपर वर्क डन करके उसको न्यूक्लियस के अराउंड ले आते हो, जहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करना शुरू हो जाती है, उसको आप क्या कहोगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसको यूं लोगे, पोटेंशियल एनर्जी
इज इक्वल टू वर्क डन। आपने पढ़ा फिजिक्स में कि ये जो वर्क डन होता है W, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब आपने एक बात याद रखनी है कि यहां पर हम फोर्स के साथ लगाएंगे माइनस, और यहां पे इस डिस्टेंस को हम लेते हैं आर। अब फोर्स के साथ माइनस क्यों लाते हैं? क्या हम उसको एक इनफाइनाइट पॉइंट से न्यूक्लियस के अराउंड ला रहे हैं? उसकी एनर्जी में डिक्रीज आएगी। आप उसको ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो, हायर एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ लेके आ रहे हो। इट्स मीन इट्स एनर्जी इज डिक्रीजिंग। जब आप उसके ऊपर वर्क डन करोगे, उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। उसकी एनर्जी कम होगी तो ये माइनस साइन हम लगाएंगे। तो आप ये याद रखना है कि नेगेटिव साइन शो डिक्रीज इन एनर्जी। नेगेटिव साइन एनर्जी में डिक्रीज को शो करेगा। दैट्स ओके। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। देखिएगा, देखें, हमने यहां तक बात की पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब आपने पढ़ा था कि ये जो फोर्स है, लास्ट लेक्चर के अंदर जब आपने रेडियस पे बात की थी, वहां पर आपने ये पढ़ा था कि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या थी? जी स्केयर 4π ε0 आर, ठीक है, आर का स्केयर। ये फोर्स यहां पे थी। ये हमें कहां से मिलती है? कूलम लॉ से, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? एफ की। अब आप इस पोटेंशियल एनर्जी में इसको उठा के इस एफ की जगह रखें, माइनस जी ई स्केयर 4π ε0 आर का स्केयर मल्टीप्लाई बाय दिस आर। अब क्या होगा कि ये आर का स्केयर इसके साथ कैंसल, पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई? जी ई का स्केयर 4π ε0 आर। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? ये बनेगी। अब दोनों को हम मेन इक्वेशन में पुट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास आ गई, ठीक है। देखें कि काइनेटिक एनर्जी ये, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है? जी ई स्केयर लेकिन माइनस, क्लियर, 4π ε0 आर। अब हम यहां से इसको क्या करते हैं? रफ कर देते हैं। अच्छा, अब यहां पे ये मेन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ई क्या बनना चाहिए? ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस, ये चूंकि यहां पर माइनस है तो आप इसको क्या लिख दो? माइनस जी ई स्केयर 4π ε0 आर। ये हमने दोनों इक्वेशन को उठा के उस मेन इक्वेशन में पुट कर लिया, क्लियर। आप देखें, आपको याद हो तो आपने पढ़ा था mv², जहां पे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट किया था फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। रेडियस की कैलकुलेशन में हमने इसकी वैल्यू देखी थी, और आपको याद होना चाहिए वो वैल्यू थी जी ई स्केयर 4π ε0 आर। ये किसकी वैल्यू है? दिस इज वैल्यू फॉर mv² जो हमारे पास यहां पर है। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है तो आप लास्ट लेक्चर को चेक कर सकते हो कि mv² में ये हमने कैलकुलेट किया था। अब आप ये वैल्यू उठाकर इसकी जगह पर पुट करें,
आपके पास क्या बनेगा, E इज इक्वल टू 1/2 Z E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस Z E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 8 और इसको हम यहां से क्या कर देंगे क्रॉस, ये हमारे पास यहां तक ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसी को हम फर्दर लेंगे, यहां से आगे हम इसको लेके चलते हैं। देखें ये, अब आप देखो इस इक्वेशन को आप इक्वेट करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, इसका आप लोगे एलसीएम। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो क्या होगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये एलसीएम आ जाएगा। इस साइड पर चूंकि इसके नीचे ये है तो हमारे पास क्या बनेगा, जी ई स्क्वायर माइनस, अब 4 है तो 4 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बनेगा, इट मीन यहां पर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे और इसका न्यूमिरेटर जी ई का स्क्वायर। क्लियर, ये एलसीएम लेकर यहां से हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब आप देखें ई इज इक्वल टू z माइनस करोगे तो माइनस z e का स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां से बन जाती है, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में आपको याद होनी चाहिए r की वैल्यू, लास्ट लेक्चर के अंदर आपने फाइनली रेडियस कैलकुलेट किया था, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस में जो आर की वैल्यू आई थी वो हम यहां पर पुट करेंगे। अब आप यहां पर आर की वैल्यू देखें, आर की वैल्यू क्या थी, एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और आपके पास थी एप्सिलॉन नॉट एम ई स्केयर और इसके साथ था जी। क्लियर, कर छोड़े, अच्छा इसके साथ है यहां पर m, ठीक है, ये हमारे पास थी फॉर वैल्यू ऑफ r। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहां पर, आपके पास क्या बनना है, e माइनस z e स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह आप ये वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट एम ई का स्केयर जी और पाई। अब अगर यहां से देखें, मैं यहां से इसको पाई को इसके साथ क्रॉस कर दूं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब ये बाकी जो चीजें बचेंगी यहां से यहां पर आ जाएंगी, आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि देखें E इज इक्वल टू जी ई का स्क्वायर पहले से 8 एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर h का स्क्वायर, ठीक है, ये m ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये e स्क्वायर ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर e की पावर 4, ये z इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, और यहां पर इसके साथ ये माइनस का साइन यहां पर रहेगा, माइनस साइन यहां पर रह जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी मेन, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें इस सारी इक्वेशन में सिवाय दिस एन के, इस एन के अलावा ये बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को आप एक तरफ करें, ई 1/n का स्क्वायर माइनस, यहां पर आपने इसके साथ माइनस को रखना है, माइनस जी का स्क्वायर ई की पावर 4 एम 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ये आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब इन सारे कांस्टेंट की अगर वैल्यू यहां पर पुट की जाए तो फाइनली इस सारी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो ई की वैल्यू बनती है दैट इज अबाउट 1311
12.16 × 10⁻¹⁸ जाउल। इसको क्लियर करते हैं, इसको इसको देखिए यहाँ पर हम ये करेंगे 1312 ठीक है डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर किलो जाउल पर मोल। ठीक है, इसको अगर आप किलो जाउल की बजाय देखें, हम इसको अगर इस तरह से लें, देखिएगा इसको किसको अगर हम इस तरह से लें −2.18 × 10⁻¹⁸ जाउल पर एटम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि E इज इक्वल टू −1/N² 2.18 × 10⁻¹⁸ जाउल पर एटम। ठीक है, इन केस जाउल पर एटम अगर आप लेते हैं तो ये ये आपके पास ये वैल्यू बनेगी, आप n की वैल्यू के साथ इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये अगर आप इसको जाउल पर एटम को चेंज करते हैं किलो जाउल पर मोल में, ठीक है किलो जाउल पर मोल में, तो हम इसके केस में क्या करेंगे, इसके साथ जाउल है तो किलो जाउल में चेंज करने के लिए ये 1000 से डिवाइड, एटम है मोल में चेंज करने के लिए तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड। ठीक है, तो अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करें और इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/N² × 1312.18 ये बन जाएगा, इसके साथ यूनिट लगेगी किलो जाउल पर मोल। तो ये हमारे पास फाइनली वो वैल्यू आ जाती है जिससे किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखना यहाँ पर ये माइनस का साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। अब ये जो एन है, एन मे बी 1, 2, 3, 4 व्हाटसोएवर, जिस एनर्जी लेवल की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, फर्स्ट की फाइंड करना चाहते हैं, एन की वैल्यू 1 पुट करें, फर्स्ट की एनर्जी आ जाएगी। सेकंड की फाइंड करना चाहते हैं, एन 2 पुट करें, एनर्जी आ जाएगी। तो या यूं इस तरह से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मेनली वंस अगेन हम इस बात को कहेंगे कि हमारे पास जो मेन बात क्वेश्चंस में आती है, डेरिवेशन जैसे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस में हमने बात की थी कि बहुत कम क्वेश्चंस डेरिवेशन से आते हैं, आप इसको डिराइव करें, लेकिन क्वेश्चन इसका आपका एनर्जी का आ जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड की एनर्जी फाइंड करें, या इसके साथ साथ आपके पास क्वेश्चन ही आता है कि दो ऑर्बिट थर्ड और फोर्थ का एनर्जी डिफरेंस बताएं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट थर्ड ऑर्बिट की फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करें इस इक्वेशन से। यहाँ से आपके पास क्या आनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए, उस एनर्जी को लेकर आप दोनों का, अगर फोर्थ और थर्ड का कहा जाए तो फोर्थ की एनर्जी में से थर्ड की एनर्जी माइनस करें, आपके पास डेल ई आ जाएगा। तो कोई से दो ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस या किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड करनी हो तो हम इस फाइनल इक्वेशन को यूज करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।